नागपुर के जॉइंट कमिश्नर ने शुरू किए गए पुलिस सिद्धि उपक्रम द्वारा 12 से 18 उम्र की स्कूली छात्राओं की सुरक्षा हेतु स्कूलों में जन जागृति मुहिम की जा रही है। हिंगना MIDC थाना अंतर्गत थानेदार उमेश बेसरकर इनकी प्रमुख उपस्थिति में शांति निकेतन स्कूल राजीव नगर और जिला परिषद हाई स्कूल नील डोह में इस उपक्रम द्वारा स्कूली छात्रों के साथ घटित होने वाली अप्रिय घटना से कैसे निपटे यह मार्गदर्शन किया गया और मोबाइल से होने वाले क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छात्रों ने पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर उज्ज्वल भविष्य की ओर कैसे बढ़े यह मार्गदर्शन पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस PSI के हाथों सभी छात्रों को गुलाब देकर स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वही छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इस दौरान हिंगना MIDC के थानेदार उमेश बेसरकर, महिला पुलिस अधिकारी, खुफिया पुलिस अधिकारी और पुलिस स्टाफ, स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर मौजूद थे। जॉइंट सीपी मैडम यांच्या यांच्या यांनी सुरुवात केलेला पोलीस दीदी हा कार्यक्रम आहे। याच्यामध्ये 12 ते 18 वयोगट या वयोगटातल्या ज्या मुली असतात म्हणजे ॲडोलसन्स आपण म्हणतो ते त्याच्या त्यांचं घरातून निघून जाण्याचं प्रमाण किंवा मोबाईल वगैरे याचा वापर करून घरातून म्हणजे सायबर क्राईम घडण्याचे किंवा त्यांच्या बाबतीमध्ये वाईट असे प्रकार घडण्याचे घडलेले आहेत बरेच आतापर्यंत। तर या एज गटाला टार्गेट पकडून मॅडमनी पोलीस दीदी हा उपक्रम नवीन सुरू केलेला आहे। त्याअंतर्गत आम्ही वेगवेगळे शाळा किंवा एखाद्या मोहल्ल्यामध्ये कॉर्नर मीटिंग वगैरे घेऊन अशा मुलींमध्ये थोडी जनजागृती तयार करतो की त्यांचं करिअरच्या कडे थोडंसं फोकस व्हावं आणि हा जे बालगुन्हे वगैरे घडतात त्यापासून त्यांचा बचाव व्हावा या अंतर्गत पोलीस दीदी हा कार्यक्रम आम्ही राबवतो। अभी नए ये हमारा MIDC पोल्यूशन के अंतर्गत जोपड़पट्टी ज़्यादा एरिया में होने की वजह से यहाँ से महिलाओं का बच्चों का घर से निकल जाना उससे ज़्यादा पैमाने पर गुनाह रजिस्टर होते हैं। तो ये कार्यक्रम अवेयरनेस करने के लिए हमारे माननीय दुर्गे मैडम जॉइंट पुलिस कमिश्नर नागपुर शहर के उन्होंने उपक्रम किया है और हम स्कूल में जाके बच्चों को थोड़ा सा अवेयरनेस करते हैं उसके बारे में और जो क्राइम होता है उसके बारे में अच्छी मालूम देते हैं कि ऐसा अभी हैंडअप होना नहीं चाहिए करके। और अगर स्कूल में जाके तो स्कूल अपने बच्चों को यही बताया कि अपने घर में भी थोड़ा ऐसा जाके अवेयरनेस कर लिए। तो आज हम लोग गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं। हमारी जो महिला टीम अधिकारी है महिला अमलदार है उनके माध्यम से गुलाब के फूल उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का जो यूज़ करते हैं जो बच्चे इनको टारगेट करते हैं उससे काफ़ी दूर रहे और काफ़ी सविस्तर विस्तार से माइक्रो उनको दिए हैं। BCN न्यूज़ के लिए हिंगना से आशीष कुंडाने की रिपोर्ट।